सभी लोग से चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस आज मैं आपको एक अमेजिंग सी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप अपने स्मार्टफोन को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हो, पीसी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और ये मैकबुक वालों के लिए नहीं है, मैकबुक के लिए नहीं है, बट मैं आपको बताऊंगा कि आप लिनक्स में और विंडोज में कैसे कर सकते हैं। और अभी मैं जो शूट कर रहा हूँ वो मैं रेडमी 10 प्रो और मैंने उसको भी मैं लैपटॉप के साथ कनेक्ट करा है। बहुत ही अमेजिंग ट्रिक, इजी है। तो चलो मैं अब आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहले आपको अपना एक कोई भी स्मार्टफोन ले लेना है और उसके बाद आपको अपनी सेट पहले आपको एक करते हैं, आपको एक ऐप डालनी पड़ेगी, उसका नाम है ड्रॉइड कैम। सो मैं आपको दिखा देता हूँ करते हुए। ड्रॉइड कैम ये वाली एक्सरसाइज, ये वाली ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा देखने के लिए। और फिर आप अगर आप इसको डाउनलोड करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। सो सबसे पहले आपको मेरे कुछ ऐप प्ले हो रहा है, इसको ना स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ड्रॉइड कैम को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपनी सेटिंग्स में जाना है। अपनी सेटिंग्स में जाने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन सर्च करना है। यहाँ पर मेरा डेवलपर ऑप्शन शो निकल रहा है। पहले आपको अबाउट पर फोन पे जाना है। सो मैंने डेवलपर ऑप्शन स्टार्ट कर दिया DEVELOPER। मेरा डेवलपर मोड, ये देखो मेरा डिवाइस मोड आ गया। अभी मुझे डेवलपर मोड ना, मुझे अपने फोन को देखना पड़ेगा। आपको ये आपको अपने फोन का डेवलपर ऑप्शन ठीक से कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी मैं लैपटॉप से मैं रेडमी ये ना मैं उसको लगा कर ही दूंगा, तो इसलिए मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। सो मुझे चाहिए होगी एक केबल, मुझे चाहिए होगी केबल, तो मैं फट से ले जाता हूँ। मैं अभी बनाने वाला हूँ। सो मुझे ये है मेरी तार जो मेरे रेडमी नोट 4 में लगी थी। सो ये माइक्रो यूएसबी है। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको इसके यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। इस पर लगाने के बाद आपको अपने लैपटॉप या पीसी के साथ इसको कनेक्ट करें। तो आप लगा थी और तो पहले आपको अपने आ जाए देखो मेरा डेवलपर ऑप्शन पे मेरा ये ऑन है और ये वाला USB ये भी ऑन रखना है आपको, ठीक है। सो फिर उसके बाद मैंने पहले आपको यहाँ पर ट्रांसफर फंड्स पे क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद
इसके बाद रुको मैं यहाँ पर चीज करता हूँ, अब मैं दूसरे फोन से हूँ। सो गाइस जैसा कि आप अभी देख सकते हो कि मैं अभी ड्रॉइड कैम के साथ बात कर रहा हूँ रेडमी 10 प्रो से, बट मैं रेडमी 10 प्रो को डिसकनेक्ट कर दिया, फिर से कनेक्ट करा। सो ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये कैमरा जिस लैपटॉप का और जिस पर अभी ये वीडियो, ये देखो मैं ऐसे ही फोन भी ला रहा हूँ कुछ, ठीक है। और ये रहा मेरा ड्रॉइड कैम, ये ये यहाँ पे मेरा ड्रॉइड कैम है, मैंने इसको ऑन करा, बहुत ही सिंपली मेथड था, हमने बस केबल वाले पे जाना है। मैं आपको अभी बात रुक जाओ रहता हूँ एक मिनट। सो अभी मैंने आपको सारे स्टेप क्लियर कर दिया कि कैसे आपने अपने फ़ोन को आप कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, और जो अगर आपने अच्छे खासे लाइक करवा दिए तो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो आएगी गाइस, और सब्सक्राइब कर देना पाएगी चैनल को, और जल्दी 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 1000 सब्सक्राइबर रीच करते हैं, फिर एक गिव अवे करते हैं, चलो ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय।